मध्य रात्रि में केंद्रीय मंत्री के पुत्र बिहार हिंसा के लिए गिरफ्तार। अरिजीत शेषवत पर 17 मार्च को बिहार के भागलपुर में अनुमति के बिना राम नवमी जुलूस का नेतृत्व करने का आरोप है। जुलूस के दौरान उकसाने वाले नारे कथित तौर पर उठाए गए थे, जिससे सांप्रदायिक संघर्ष हुए। दो दिन पहले राज्य के भागलपुर शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में बिहार की राजधानी पटना में शनिवार की रात को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शेषवत को मीडिया कर्मियों की भीड़ से घेर लिया गया था। 17 मार्च को भागलपुर में अनुमति के बिना राम नवमी जुलूस का नेतृत्व करने वाले 36 वर्षीय भाजपा नेता पर आरोप है। जुलूस के दौरान उकसाने वाले नारे कथित तौर पर उठाए गए थे, जिससे सांप्रदायिक संघर्ष हुए। राज्य के कई हिस्सों में हिंसा को समान रूप से टकराव के रूप में देखा जाता है और विपक्ष से भयंकर हमलों के लिए नीतीश कुमार सरकार का पर्दाफाश किया है। अरिजीत शेषवत, जिनकी याचिका ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाने की मांग की थी, शनिवार को भागलपुर में एक अदालत ने खारिज कर दिया था। उन्हें आधी रात के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री निवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, लेकिन युवा भाजपा नेता के सामने नहीं, जो कि पुलिस ने उत्सुकता से कहा था कि उनके कई सार्वजनिक बयान के बावजूद जिला प्रशासन की आलोचना की गई थी। एक पुलिस वैन में बंद होने से पहले आराम से प्रबंधित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसपी राकेश दुबे ने संवाददाताओं से कहा, हमें उनके ठिकाने की जानकारी मिली और हमारी निगरानी शुरू हुई। भागलपुर पुलिस यहां भी गिरफ्तारी वारंट के साथ थे। हम यहां हनुमान मंदिर के बाहर एक पुलिस स्टेशन के पास गिरफ्तार कर चुके हैं। भाजपा नेता को भागलपुर ले जाया गया है, जहां उन्हें आज एक अदालत में पेश किया जाएगा। मार्च 17 को हिंसा के तुरंत बाद अरिजीत शेषवत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को हिचकिचाते देखा गया था। उनके पिता मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर को कुछ भी नहीं बल्कि कचरे का एक टुकड़ा बताया था, जो कि क्षेत्र के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया था। मुझे आत्मसमर्पण क्यों करना चाहिए, अरिजीत शेषवत ने एक बातचीत में मशहूर जवाब दिया। जैसा कि भाजपा नेता गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तानाशाह के लिए तानाशाही करते हुए कहा कि उनके पूर्व पौर अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें कायर कहा। विपक्षी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद शेषवत सहित आरोपी पर नर्म होने का आरोप लगाते हुए, इस हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि वह कानून और व्यवस्था के सामने समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पुनर्स्थापित करने के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करने को तैयार हैं। शांति